शहर के बड़े डाकघर में कांग्रेसियों ने किया राहुल गांधी से ईडी द्वारा की गई पूछताछ के विरोध में धरना प्रदर्शन। धारा 144 की वजह से नहीं मिली मार्च की अनुमति। आपको बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़े डाकघर में आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी से जो ईडी सरकार के इशारे पर पूछताछ कर रही है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे नेता को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता। जी भाई जान, बताइए आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या पूरा मामला? देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो ईडी द्वारा भाजपा सरकार के दबाव में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को परेशान करा जा रहा है, सत्ता को परेशान करा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग केंद्रीय ऑफिस है ये डाकखाना, इस पर धरने पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारे नेता को ईडी परेशान करना बंद नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहे हैं और जरूरत पड़ी तो दिल्ली का भी घेराव करेंगे, राष्ट्रपति भवन का भी घेराव करेंगे। कल गवर्नर हाउस के घेराव थे हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की तरफ से, सभी प्रदेश कमेटियों की तरफ से पूरे देश में घेराव थे। तो ये बीजेपी की तानाशाही है, जबकि वो एक ऐसा अखबार है जिसने आज़ादी के टाइम पर इस देश के बच्चे बच्चे को आज़ाद कराने में अपना संघर्ष करा, वो कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती हमारे नेताओं को बदनाम करने में लगी हुई है। उसके विरोध में हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इसी तरह हमारे धरने चलते रहेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।